माई चैनल। सो गाइस एट फर्स्ट इन एडवांस आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, क्योंकि बहुत जल्द वैलेंटाइंस डे आने वाली है। आज की थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ी सी हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ एंड थोड़ी सी मेकअप लुक भी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करने वाली हूँ उस लुक को क्रिएट करने के लिए, अगर उनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए वो आप बहुत ही अच्छे ऑफर प्राइस में अमेजोन से परचेस कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अमेजोन से लिया है, और अगर आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक एंड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वैलेंटाइंस डे गिफ्टिंग आइडिया भी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को अगर आप कुछ भी लाइक गिफ्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी गिफ्टिंग आइडियाज भी मिल जाएंगे। तो आप मेरी ये वाली जो वीडियो है इससे थोड़ी सी आइडिया लो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस मैंने बहुत बड़ी वाली एक इंट्रो दे दिया है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एट फर्स्ट मैंने परचेस किया है ये वाली एक कुर्ती, जो कि कुर्ती एंड प्लाजो सेट है, जो कि मैंने परचेस किया है अमायरा ब्रांड से, और इसे मैंने एक्सेस साइज में परचेस किया है। तो मैंने सोचा कि वैलेंटाइंस डे में हर कोई व्हाइट एंड रेड वेयर करता है, एंड ब्लैक कलर भी बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगती है इस तरीके की स्पेशल डेज में। तो अगर आप भी ब्लैक लवर हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस तरीके की ब्लैक ड्रेस वेयर कर सकते हो। आपको यहाँ पे पिक्स दिख रही होगी, इसके साथ आपको एक इस तरीके की प्लाजो पैन भी मिल जाती है। तो इसकी जो प्लाजो है, प्लाजो की घेर उतनी ज्यादा नहीं है, एंड ये वाली जो कुर्ती है रेयन मटेरियल में है, थोड़ी सी कॉटन भी मिक्स लग रही है, और इसके स्लीव्स में भी आप यहाँ तक जो लेंथ आती है, लाइक एल्बो तक जो लेंथ आती है, उस तरीके की उस लेंथ में है। तो इस तरीके की स्लीव्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला स्लीव्स है, और यहाँ पे बॉर्डर में भी आपको इस तरीके की गोल्डन लाइक प्रिंट मिल जाते हैं। ये प्रिंट नहीं है, लाइक फैब्रिक वाला जो गोल्डन लाइक गोल्डन शाइनिंग वाला जो फैब्रिक्स आती है उस तरीके की फैब्रिक्स में है। नेक में आपको इस तरीके की दो लाइक इस तरह की टैसल मिल जाती है जिससे आप टाई कर सकते हो, एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिश लुक देने के लिए यहाँ पे इस तरीके की दिया गया है। एंड फ्रंट पोर्शन में नेक एरिया में स्ट्रेट इस तरीके की गोल्डन प्रिंट बॉर्डर मिल जाएंगी जिससे लुक्स और भी ज्यादा अच्छी आ रही है। और ये वाली जो कुर्ती है इसके साथ जो लुक्स मैं अब क्रिएट करने वाली हूँ आई होप आप सभी को पसंद आएगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है इस तरीके की एक परफ्यूम, और ये बहुत ही अच्छे ऑफर प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने इसे अपने हस्बैंड को लाइक वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट करने के लिए लिया है। तो अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह के गिफ्ट्स लाइक देना चाहते हो डेफिनेटली दे सकते हो, बहुत ही अच्छी वाली आइडियाज है, क्योंकि परफ्यूम्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है लड़कों को। सो ये है वाइल्ड स्टोन की अल्ट्रा सेंसुअल परफ्यूम, और इसमें आपको 100 ml मिलता है, और इसकी प्राइस है 599 rupees, जो कि क्वाइट अफोर्डेबल है, और लाइक बहुत ही बड़ी वाली पैकेजिंग में आती है, और रेड का ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। ये इस तरह की बॉटल में आती है, बॉटल भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, बहुत काफी अच्छी परफ्यूम है। तो इसकी परफ्यूम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, सच में सेंसुअल काइंड ऑफ परफ्यूम है। वाइल्डस्टोन की परफ्यूम बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, मैंने इसे ट्राई किया है पहले भी, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड मेरी हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा पसंद की ये वाली परफ्यूम है। सो यस, आप भी अगर आपकी बॉयफ्रेंड को इस तरह के गिफ्ट देना चाहते हो डेफिनेटली अमेजोन से ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इसमें काफी सारे वेरिएशन भी अवेलेबल है। वैसे ये वाली जो परफ्यूम है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ परफ्यूम है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिया है वो है इस पर कलर की टॉफी ब्राउन आई शेडो पैलेट, इसमें मेरा शेड नंबर है 01, आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे वेरिएशन अवेलेबल है। तो इसमें क्रुएल्टी फ्री एंड काफी सारे लाइक क्लेम्स किए गए हैं, तो इसमें आपको मिलता है 9 grams ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 5 years की। और इस आई शेडो पैलेट को मैंने ट्राई किया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है आप देख सकते हो, और इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, तो इसको लाइक यूज करके ही मैं आज वैलेंटाइंस डे लुक क्रिएट करने वाली हूँ। ये बहुत अफोर्डेबल है, या फिर अराउंड 249 rupees पड़ा है, या फिर उससे कम पड़ा होगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाली मेवली न्यूयॉर्क की 4 sample लिप कलर्स, और इस पैकेट में आपको 4 colors मिल जाते हैं, लाइक जो मेवली न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक होती है उसकी। तो ये बिल्कुल मिनी साइज में है, लाइक काइंड ऑफ पाउच साइज में है, जिसमें आपको 4 shades मिल जाते हैं। तो सबसे पहला वाला शेड आपको मिलता है सॉफ्ट वाइन बेस्ड बेब, बेयर इट ऑल एंड स्ट्रिप इट ऑफ। आपको 2 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है,
है ईच लिपस्टिक्स में एंड चार लिपस्टिक्स की आपको देना पड़ता है 396 रुपीस। अगर आपको 2 ml भी मिल रहा है तो भी आप इसे काफी टाइम के लिए यूज कर सकते हो। ये इस तरीके की पाउच में आती है। तो कलर्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सारे कलर्स मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। मेरा जो शेड है ये है 02 सॉफ्ट वाइन, नेक्स्ट वन इज 06 बेयर बेब, एक काफी अच्छी न्यूड शेड है। वैसे ये चारों शेड्स मीडियम डस्की फेयर किसी भी स्किन टोन पे काफी अच्छी लगने वाली है। देख सकते हो ये भी काफी अच्छी लाइट न्यूड शेड है। और ये है NU01 बेयर इट ऑल, जो कि प्रॉपर न्यूड ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड है। एंड आप देख सकते हो ये फेयर स्किन टोन पे काफी अच्छी लगने वाली है ये वाली जो शेड है। वो वैलेंटाइन डे मेकअप लुक स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर की इल्यूमिनेटिंग हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर को इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये वाली मॉइस्चराइजर आई थिंक 2-3 वेरिएशन में अवेलेबल है। तो इस ये वाली जो वेरिएशन है ये है 01 और इसमें काफी अच्छी गोल्डन टिंट है थोड़ी सी डेवी लुक प्रोवाइड करने के लिए। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद शुगर की ही मैजिक वांड वाटरप्रूफ कंसीलर को इस तरीके से अपनी अंडर आई, अपनी फोरहेड एंड जहाँ जहाँ पे मैंने मोस्टली कंसीलर मुझे अप्लाई करना है उन एरियाज पे अप्लाई किया है एंड बहुत अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया है। तो गाइस आज की वैलेंटाइंस डे लुक को मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एट द सेम टाइम थोड़ी सी ग्लैम टाइप अप रखने वाली हूँ। तो मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। सेम कंसीलर को मैंने अपनी आईलेट पे भी अप्लाई किया है एंड ऑफ कैमरा मैंने अपने आईब्रोज को फिल एंड ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद इस तरीके से एक स्मॉल बफिंग ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद पूरे मेकअप इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर की लूज पाउडर जो कि बहुत ही अच्छी बनाना पाउडर है एंड इसकी जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसे मैंने इस तरीके से इसके साथ ही जो पफ आती है उसकी हेल्प से पूरे फेस और नेक एरिया पे एंड अपनी आईलिड पे अप्लाई करके बहुत अच्छे से पूरे मेकअप इसको सेट कर लिया है। तो बहुत अच्छे से फेस को सेट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे शुगर की फेस पैलेट से ये वाला जो कंटूरिंग शेड है या फिर ब्रॉन्जर शेड है इसे इस तरीके से पिक करके हॉलो चीक्स जॉ लाइन फोरहेड को थोड़ी सी ब्रॉन्जर अप किया है एंड सेम शेड से ही मैंने अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी शेप दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट सेम पहले से ही ब्लश शेड को पिक करके इस तरीके से मैंने अपनी चिक्स पे अप्लाई किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। बहुत ही नेचुरल काइंड ऑफ टिंट ब्लशर लुक यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है आप देख सकते हो। और इसके बाद सेम पहले से हाइलाइटर शेड को भी पिक करके मैंने अपनी चिक बोन्स नोज क्यूपिड बो चिन एंड फोरहेड एंड आइज के इनर कॉर्नर्स एंड अपनी ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लिया है। और इस पैलेट में मेरा शेड है 02 विविड विक्ट्री। नेक्स्ट सेम कंटोनिंग शेड को आउटर कॉर्नर में एंड अपनी क्रीज लाइन में इस तरीके से एक स्मॉल फफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके ब्लेंड कर लिया है एंड सेम शेड को मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड किया है। इसके बाद शुगर की ग्रैंड फिलारे इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटिंग सेटिंग मिस से मैंने अपने पूरे मेकअप को थोड़ा सा सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर की ये वाली जेली लिक्विड काइंड ऑफ आई शेडो लिया है और इसमें मेरा शेड है 03 अंबर अट्रैक्शन जो कि काफ़ी अच्छी एक ब्रॉन्जी ऑरेंजिश काइंड ऑफ गोल्डन काइंड ऑफ शेड है और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो इसे इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से कट क्रीज की तरह मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद शुगर की काजल मैंने अप्लाई किया है अपनी वाटर लाइन पे और इसके बाद शुगर की विंग मैन वाटर प्रूफ लाइनर की हेल्प से मैंने थिक एंड ड्रामाटिक विंग लाइनर ड्रॉ किया है एंड देन मर्स की मस्कारा मैंने अपर एंड लोअर लशेस पे 2-3 कोट अप्लाई कर लिया एंड इसके बाद फॉल्स लशेस के साथ मैंने आई लुक को कंप्लीट कर लिया है। फॉल्स लशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई किया है बट उससे पहले मैंने यहाँ पे जो सैम्पल लिपस्टिक आप लोगों को शेयर किया है मेबेलिन की उसमें से 02 सॉफ्ट वाइन शेड को इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। सो आज की वैलेंटाइंस डे लुक के लिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है श्रेया जाइंस ये वाली जो नेकलेस पीस है वो ऑक्सीडाइज नेकलेस चोकर ज्वेलरी है इस तरीके की 3 लेयर्स में है और इसके साथ इयर रिंग्स भी अवेलेबल है और इससे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है एक सरस्वती पूजा मेकअप लुक के साथ। सो अगर आप चाहें तो इस लुक के लिए इयर रिंग्स को स्किप कर सकते हो इस तरीके से या फिर इयर रिंग्स के साथ भी कैरी कर सकते हो इस लुक को। सो यस दैट्स माय फाइनल लुक गाइस। सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आज की लुक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस लव यू ऑल।